हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपको सुनीता की कुकिंग रेसिपी में आज हम बनाएंगे ढोकला ढोकला बनाने के लिए मैंने दो कप बेसन ले लिया है और उसमें आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है अब इसमें दो तीन चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार उसके बाद मैंने एक नींबू का रस डाल दिया है इसमें और पानी डालेंगे धीरे धीरे और इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे अच्छे से मिलाएंगे हल्दी मैंने कलर के लिए डाली है इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा एक चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसको पंद्रह मिनट के लिए छोड़ देते हैं इधर मैंने पानी रख लिया है जिसमें हम ढोकला बनाएंगे इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे अब इसे पंद्रह मिनट हो चुके हैं और अब हम इस टिन में तेल लगा देंगे जिसमें हमने ढोकला बनाना है इससे ये चिपकेगा नहीं जल्दी से निकल जाएगा इसमें मैंने आधा चम्मच से भी थोड़ा कम खाने वाला सोडा मिला दिया है इससे ये अच्छे से फूल जाएगा और बहुत ही स्पंजी ढोकला बन के तैयार होगा अब मैं इस बैटर को इस टिन में डाल दूँगी जैसे ही हम इसमें सोडा डालेंगे तो ये फूल जाता है आप इसकी जगह इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हमारा पानी गर्म हो चुका है इसमें एक स्टैंड रख के और हम अपना ढोकला रख देंगे इसको ढक्कन लगा के 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं अब इसे 20 मिनट हो चुके थे अब इसको चेक कर लेते हैं आप चाकू से या तो ऐसी किसी स्टिक से चेक कर सकते हैं अब हमारा ढोकला बनके एकदम तैयार है स्टिक पे कुछ भी नहीं लगा है एकदम अच्छे से पक चुका है तब तक हम इसका तड़का तैयार करेंगे जब तक ढोकला ठंडा हो जाएगा मैंने तेल डाल के उसमें राई डाल दी है और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दिए हैं अब इसमें पानी डाल देंगे और दो चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक नींबू निचोड़ देंगे इसमें ये तड़का हम इसलिए बनाते हैं इससे ढोकला जूसी हो जाता है अब इसको चाकू की सहायता से प्लेट रखेंगे और इसको निकाल देंगे अब देखिए हमारा कितना स्पंजी ढोकला बन रखा है अब इसे हम काट लेंगे ऐसे काट के छोटे छोटे पीस कर देंगे बहुत ही स्वादिष्ट ढोकला बन रखा है हमारा आप ज़रूर बनाइए अब इसमें ये तड़का डाल देंगे अब धनिया की पत्ती डाल देंगे अब हमारा ढोकला बनके एकदम तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट ढोकला बन रखा है देखिए कितना सुंदर और कितना स्पंजी बन रखा है आप ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद